ये कहानी एक अमीर घमंडी औरत के ऊपर आधारित है जो अपने नौकर के साथ एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाती है। अब इन दोनों के बीच में वहाँ पर क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म का नाम है स्वेप्ट अवे और ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम अंबर नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होती है। अंबर को अपने हस्बैंड की दौलत पर बहुत घमंड था। उसे इतना घमंड था कि वो अपने सामने वाले इंसान को कुछ भी नहीं समझती थी। एक दिन अंबर अपने हस्बैंड और दो कपल्स के साथ अपने प्राइवेट प्लेन पर बैठकर क्रूज ट्रिप पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। ये क्रूज इटली से ग्रीक तक जाने वाली थी। वहां पहुंचकर क्रूज शिप का कैप्टन बावर्ची और एक नौकर उनका वेलकम करते हैं, पर अंबर तो अपने ही घमंड में थी इसलिए वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। शिप पर उनके साथ एक छोटा छतरी नाम का नौकर भी होता है जो अंबर को उसका कमरा दिखाता है। फिर अंबर उससे पूछती है कि शिप में जिम नहीं है क्या, तो इस पर छोटा छतरी उसे एक साइकिल लाकर देता है। वो बोलता है कि पर पैडल मारना और आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इस बात से अंबर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो छोटा छतरी को डांटने लगती है। अब बेचारा छोटा छतरी और क्या ही कर सकता था, उसे इस काम के पैसे मिल रहे थे इसलिए वो चुपचाप उसकी डांट सह लेता है। पर छोटा छतरी के दिल में अंबर के खिलाफ बदले की आग उठ रही थी और वो बस अंबर से बदला लेने के बारे में ही सोच रहा था। अगले सुबह अंबर अपने हस्बैंड एंटोनियो के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, पर तभी वो छोटा छतरी को अपने पास बुलाती है और उसे बोलती है कि ये ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा ठंडा है, जाओ इसे तुम जल्दी से गर्म करके लाओ। पर उसी वक्त छोटा छतरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सारा ब्रेकफास्ट अंबर के सिर पर ही पलट देता है। इस पर अंबर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, पर तभी छोटा छतरी उसे उठाकर समुद्र में फेंक देता है। लेकिन तभी एक चुटकी बजती है और उनको पता चलता है कि छोटा छतरी बस दिन में सपने देख रहा था। फिर वो ब्रेकफास्ट को उठाकर उसे गर्म करने के लिए अंदर ले जाता है। अंदर किचन में जाकर वो अपने दोस्तों को बताता है कि अंबर बहुत ही ज्यादा घमंडी है और बार बार मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। इस पर उसका दोस्त घुसेड़ू मान उसे बोलता है कि तुम ये गर्म ब्रेकफास्ट अपने साथ ले जाओ, इसमें हम सभी ने अपनी अपनी प्यार की निशानी डाली है और इसे खाकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर शिप का कैप्टन खुद उस ब्रेकफास्ट को लेकर अंबर के पास जाता है जिसको खाकर अंबर शांत हो जाती है। एक ना छोटा छतरी मछली पकड़कर किचन की तरफ जा रहा होता है, तभी वहाँ पर अंबर आ जाती है और उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है, इसलिए वो अंबर को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले सुबह अंबर के पिछवाड़े में चुल मचती है और उसे फिशिंग करने का मन करने लगता है। अंबर छोटा छतरी को बोलती है कि उसके लिए एक छोटी बोट का अरेंज करो, पर इस पर छोटा छतरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है और कभी भी यहाँ पर तूफान आ सकता है। पर अंबर के पिछवाड़े में सुअर का खड़ा बाल था और उसने ठान लिया था कि वो फिशिंग करके ही रहेगी। अब छोटा छतरी भी बेबस होकर उसकी बात मान लेता है और उसे अपने साथ एक बोट में बिठाकर फिशिंग करने के लिए समुद्र में ले जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनकी बोट अचानक बंद हो जाती है। फिर जब छोटा छतरी बोट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बोट में तेल खत्म हो चुका है। अब अंबर इस बात के लिए उस पर फिर से चिल्लाने लग जाती है और अब छोटा छतरी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अंबर को बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए वो दोनों बोट में बैठकर क्रूज शिप के आने का वेट करने लगते हैं। उन दोनों को वेट करते हुए 2 दिन बीत जाते हैं पर वहां पर कोई नहीं आता। अंबर परेशान होकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी मदद करने वाला भी वहां पर कोई नहीं होता। तभी अंबर की नजर बोट पर रखी हुई एक बंदूक पर पड़ती है। अंबर को लगता है कि वो एक फ्लेयर गन है। फिर अंबर उसको जैसे ही चलाने वाली होती है पर तभी छोटा छतरी उसे रोक देता है और उसे बोलता है कि ये वो नहीं है जो तुम इसे समझ रही हो। पर अंबर उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों उस बंदूक के लिए लड़ने लग जाते हैं, पर तभी अचानक वो बंदूक चल जाती है और वो सीधा उस बोट के एयरबैग पर लग जाती है जिस वजह से उस बोट के एक एयरबैग में से हवा निकल जाती है। अब वो दोनों निराश होकर उस बोट पर बैठे हुए होते हैं पर तभी उनको सामने किनारा दिखता है और वो दोनों फटाफट तैरते हुए उस किनारे पर पहुंच जाते हैं। फिर छोटा छतरी ऊपर चढ़कर उस जगह का पता लगाने की कोशिश करता है पर काफी ढूंढने पर भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और उसे ये पता चलता है कि ये एक सुनसान आइलैंड है जहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही हैं। दूसरी तरफ अंबर को छोटा छतरी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो उसको बोलती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पर फंसे हैं, एक बार अगर मैं अपने घर पहुंच गई तो मैं अपने लॉयर को बोलकर तुम पर केस कर दूंगी। अब छोटा छतरी को भी इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो अंबर को बोलता है कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद छोटा छतरी को वहाँ पर एक टूटा फूटा घर मिल जाता है और पास में उसे गिरा हुआ कुछ सामान मिल जाता है जिसकी मदद से वो मछली पकड़ने के लिए हथियार बनाता है और उसे वो मछली पकड़ भी लेता है। फिर वो उसे आग में भूनता है और छांव में बैठकर आराम से खाने लगता है। दूसरी तरफ अंबर उसको देखकर जलने लगती है। फिर वो भी उस आइलैंड पर खाना ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो छोटा छतरी के पास आकर उसे कुछ मछलियाँ मांगती है पर छोटा छतरी उसे मना कर देता है। फिर अंबर उसको बोलती है कि तुम मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर ले आओ और इसके बदले तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी, पर इस पर छोटा छतरी उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। वो बोलता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेरी नौकरानी बनना पड़ेगा और दिन रात मेरी सेवा करनी पड़ेगी। ये बोलकर छोटा छतरी अंबर को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अब अंबर के पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो मजबूरी में छोटा छतरी के कपड़े धोने लगती है और उसे बदले में खाने के लिए मछलियाँ मिलती है। यहाँ पर छोटा छतरी की ऐश हो गई थी, वो बस मछलियाँ पकड़ कर लाता था और दिन भर आराम करता था, बाकी मछलियों को पकाने का काम और बाकी सारे काम अंबर करती थी। दरअसल छोटा छतरी अंबर को सबक सिखा रहा था क्योंकि अंबर ने क्रूज शिप पर उसके साथ बहुत अत्याचार किए थे। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और उन दोनों को वहाँ पर ढूंढने के लिए कोई नहीं आता। इधर छोटा छतरी के दिल में अंबर के लिए फीलिंग्स जागने लगती है और वो उसके साथ घपाघप करने के बारे में सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद छोटा छतरी से रहा नहीं जाता और फिर वो अंबर के साथ जबरदस्ती घपाघप करने की कोशिश करने लगता है। इस पर पहले तो अंबर उसे अपने से दूर करती है पर थोड़ी देर बाद वो भी उसका साथ देने लगती है, पर तभी छोटा छतरी वहीं रुक जाता है और उसे बोलता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, जब तुम खुद तड़पते हुए मेरे पास आओगी तभी मैं तुम्हारे साथ घपाघप करूंगा। अब अंबर की इच्छा अधूरी रह गई थी इसलिए वो बस सिर्फ घपाघप के बारे में ही सोचती रहती है। और फिर अगली सुबह वो छोटा छतरी के पास जाती है और उसे बोलती है कि प्लीज तुम अपनी छतरी मेरे अंदर खोल दो। अब छोटा छतरी भी अंबर की रिक्वेस्ट मान लेता है और फिर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और इसी के साथ वो लोग पूरी रात पलंग तोड़ घपाघप करते हैं।
अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पलंग तोड़ने के बाद अंबर छोटा छतरी को बोलती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। ये सुनकर छोटा छतरी चौंक जाता है और वो अंबर को बोलता है, अगर हम इस आइलैंड पर फंसे नहीं होते तो तुम मुझे ऐसा कभी नहीं बोलती। वो उसे ये भी बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने शिप पर मेरे साथ कैसा बिहेव किया था। इस पर अंबर उसे बोलती है कि उस टाइम मेरा मूड काफी खराब था क्योंकि मेरा पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता था, पर जब मैंने तुम्हारे साथ पलंग तोड़ा है तो मुझे एहसास हुआ है कि छोटा छतरी की छतरी में मेरे पति से ज्यादा दम है। ये सुनते ही छोटा छतरी लपक कर अंबर पर टूट पड़ता है और फिर वो दोनों फिर से पलंग तोड़ते हैं। अब ऐसे कुछ और दिन बीत जाते हैं और वो दोनों बस दिन रात पलंग तोड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। अब दोनों भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे, पर एक दिन अंबर को समुद्र में एक नाव दिखाई देती है। उसे देखकर अंबर छोटा छतरी को बोलती है कि हमें कहीं छुप जाना चाहिए, पर छोटा छतरी उसे मना कर देता है। इस पर अंबर उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर ही खुश हूँ और मैं कहीं भी जाना नहीं चाहती। फिर छोटा छतरी उसे समझाते हुए बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हम सारी जिंदगी सुनसान आइलैंड पर नहीं रह सकते। एक बार हम यहाँ से बाहर निकल गए तो हम साथ में कहीं भाग जाएंगे। अब अंबर भी छोटा छतरी की बात मान लेती है और फिर वो दोनों उस बोट पे बैठकर अपने क्रूज शिप पर वापस आ जाते हैं। वापस पहुंचकर अंबर का हस्बैंड छोटा छतरी को उसकी वाइफ की देखभाल करने के लिए थैंक यू बोलता है, पर उसे ये पता नहीं था कि पिछले कुछ दिनों में छोटा छतरी ने अपनी छतरी उसकी वाइफ ने कितनी बार खोली है। फिर छोटा छतरी निराश होकर वहाँ से चला जाता है और अंबर भी अपने हस्बैंड के साथ वापस होटल आ जाती है। अंबर वहाँ पर बस छोटा छतरी को याद कर रही होती है और दूसरी तरफ छोटा छतरी अंबर के लिए एक रिंग खरीदता है। फिर वो होटल के रिसेप्शन पर आकर अंबर को फोन करता है और अंबर उसे बोलती है कि तुम बस मुझे ये बता दो कि कब चलना है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो उसे ये भी बोलती है कि तुम बस एक लेटर में लिखकर उस लेटर को होटल के रिसेप्शन पर छोड़ दो। उसी रात छोटा छतरी एक लेटर लिखकर उसे होटल के रिसेप्शन पे दे देता है। उसने उस लेटर में ये लिखा था कि वो कल सुबह उसका क्रूज शिप पर वेट करेगा और उस लेटर के साथ उसमें एक रिंग भी थी जो वो अंबर के लिए लेकर आया था। अगले सुबह जब अंबर लेटर लेने के लिए जाती है तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसकी नजर उस लेटर पर पड़ जाती है। वो उस लेटर को पढ़ लेता है और उसे पढ़ते ही उसे अंबर और छोटा छतरी की प्लान के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो बिना समय गवाए अंबर को अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाते जाते वो होटल के रिसेप्शन को एक लेटर देता है और उस लेटर को वो छोटा छतरी को देने के लिए बोलता है। फिर जब छोटा छतरी उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और जो कुछ भी हमारे बीच उस आइलैंड पर हुआ वो बस एक गलती थी। दरअसल ये लेटर अंबर की तरफ से उसके हस्बैंड ने लिखा था ताकि छोटा छतरी उसको पढ़कर अंबर को भूल जाए। ये पढ़ते ही छोटा छतरी भागते हुए अंबर के पास जाता है और देखता है कि वो हेलीकॉप्टर से जा रही है। तभी छोटा छतरी अपनी रिंग को अंबर की तरफ फेंकता है और वो रिंग सीधा जाकर समुद्र में गिर जाती है। अब छोटा छतरी को लगता है कि अंबर ने उसे धोखा दिया है और अंबर को भी ये लग रहा होता है कि छोटा छतरी ने उसे धोखा दिया है और उसने उसके लिए कोई भी लेटर नहीं छोड़ा। और इसी अधूरी प्रेम कहानी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।